गाइस फर्स्ट चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे कि हाउ टू होल्ड योर बैट, ग्रिप पे बात करेंगे, ग्रिप का क्या एडवांटेज है और हम एक अच्छी ग्रिप के थ्रू कितना ज़्यादा इजीली किसी भी शॉट को अच्छी शेप के साथ, अच्छी रेंज के साथ कैसे खेल सकते हैं। तो गाइस देखिए, ग्रिप करने के आपको मैं 2 से 3 तरीके बताऊँगा और बताऊँगा कि ग्रिप एक्चुअल में होनी कैसी चाहिए। ये देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या होती है, सब बच्चों को पता ही, आपका आउटर एज है, ठीक है, ये आपका स्प्लाइस है। तो यहाँ से जो आपका जितने राइटी बैटर्स हैं, तो ये आपका जो टॉप हैंड है, इससे आपने ऐसा आउटर एज पे लाना और यहाँ से ऐसे बैट को पकड़ लेना है। और यहाँ से आप देख सकते हैं, देखिए ये जो वी बनता हुआ जा रहा है ना बैट के हैंडल का, इसके लेफ्ट वाले वी पे राइटी जितने भी बैटर्स हैं उनको ऐसे लाना है और ऐसे ले आना है। ये इट इज़ योर राइट ग्रिप। और कोशिश ये करें कि ज़्यादा ऊपर से नहीं पकड़ना है, ज़्यादा नीचे से नहीं पकड़ना, हल्का सा आपका ग्रिप का एरिया ऐसा दिखना चाहिए, लाइक दिस वी शेप। हाँ, और इस हाथ टॉप हैंड और बॉटम हैंड के बीच में गैप नहीं रखना है, ताकि आप अपने बैट को अच्छा कंट्रोल तरीके से चला पाएँ। और अब बात आती है कि यार हम और किस तरीके से, बार बार जैसे बच्चों को समझ नहीं आता है, ग्रिप को होल्ड करने का तरीके बताता हूँ 2 से 3, जो कि अब मैं डिफरेंसेस दे दूँगा जिससे कि आप बहुत अच्छा सीख जाएंगे। ये देखिए, आपने ऐसे वी शेप में हाथों को लाना है, ये लाया आप एज इट इज़, ऐसे बैट को उठा लेना है। अब इसमें क्या है ना, कई बच्चे क्या ग्रिप तो अच्छा कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो स्टांस में आते हैं फिर चेंज कर लेते हैं। और वो चेंज इसलिए करते हैं, देखिए जो बच्चा मेरे से जुड़ा हुआ है ना, मैं एक ही बात कह रहा हूँ आपसे कि आप जैसे ऐसे ओ शेप में बैट को पकड़ते रहते हैं और फिर आदत बन जाती है, जैसे ही कोचिज कहते हैं कि थोड़ा सा ऐसे पकड़िए तो आपको थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, तो फिर आप बार बार वो गलत करते हैं। लेकिन क्या है, लॉन्ग पीरियड के अंदर जब आप अच्छे बॉलर्स खेलेंगे, आपको ड्राइव के लिए इन्वाइट करेंगे, ऑन ड्राइव के लिए इनवाइट करेंगे, तो दिक्कतें आएंगी। देखिए मैं आपको इसका पूरा साइंस बताता हूँ। ये देखिए, मेरी ग्रिप ऐसे है जैसे नॉर्मल बच्चे पकड़ते हैं, देखिए ऐसे ग्रिप है। ये देखिए, मैं ऑटोमेटिक ना बैट को सीधा ले जाऊँगा। ये देखिए, ये अब मेरा बैट ऐसे जा रहा है, ये आप इसको चेक करना, ये देखिए ऐसे जा रहा है, देखिए मेरी शेप कितनी कम है। ये देखिए बैट बंद हो रहा है, ये देखिए ये ऐसे उठा, यहीं तक ऐसे बंद हो जाएगा, मैं बंद नहीं कर रहा लेकिन ये बंद हो रहा है। अब मैंने ऐसे पकड़ लिया, ये देखिए ऐसे पकड़ लिया, अब मैं इसको एज इट इज़ लाऊंगा, ये इजी रहेगा ऐसे चलने में। ये देखो मेरे हाथों की फॉर्मेशन कितनी अच्छी चलेगी इसमें। अगर मैं ऐसे पकड़ता हूँ तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि जितना बैटिंग में टॉप हैंड का अच्छा काम है, उतना ही बॉटम हैंड का पावर जनरेट करने के लिए। और क्या होता है कि जितने भी राइटी बैटर्स हैं उनका ये हाथ नेचुरल होता है, तो दैट्स वाई ये जल्दी प्ले में आता है। और जब इसकी ग्रिप में एरर होता है और हम टॉप हैंड पे काम नहीं कर रहे, तो ऑटोमेटिकली इसकी रिस्ट जल्दी लगती है, तो वहाँ से क्या शेप लूज़ होती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपने ये थोड़ा ग्रिप पर काम कर लेना है ऐसे, और कोशिश करते हैं जैसे ही आप ग्रिप करते हैं ना, ये देखिए जब आप ग्रिप करते हैं तो आप अपने ना टॉप हैंड से ही बैट को टैप करें, ये, और टॉप हैंड से ही बैट को होल्ड करें और टॉप हैंड से ही बैट को मोशन में लाएं जब आप बैटिंग स्टांस में हैं। इससे क्या रहेगा, आपका टॉप हैंड ज़्यादा डोमिनेट करेगा और वो फॉलो थ्रू जनरेट करेगी, और ये चीज़ बैटिंग में बहुत काम आएगी अगर बात की जाए बेसिक्स की। तो अभी मैं इसमें थोड़ा सा आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। जैसे कि कई बैट्समैन होंगे, आपने देखा होगा कि यार वो थोड़ा सा ओ ग्रिप से खेल रहे हैं, है ना, वी नहीं है उनका, और वो बड़े ऊपर लेवल की क्रिकेट खेल रहे हैं। तो देखिए, इस समस्या को भी मैं साथ साथ बताता हूँ, ताकि बच्चों के माइंड में चीज़ें आती हैं, बच्चे बहुत अवेयर हैं आजकल के, कि आपने देखा होगा कि वो ओ ग्रिप से अच्छा खेल रहे हैं, बट क्या है ना कहीं उनका क्या है, उन्होंने उस चीज़ को कमांड कर लिया है और वो वर्टिकल शॉट्स अच्छा खेल पा रहे हैं, अच्छा कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो वो ठीक है। बट क्या है कि एज ए कोच हमारा काम क्या होता है, हम आपको टेक्निकली राइड करते जाएँ। टेक्निक का मतलब पता क्या है, अगर आपको सिंपल भाषा में समझना, टेक्निक का मतलब है कि हम जो भी टेक्निकल चीज़ अकॉर्डिंग टू बैटिंग, अकॉर्डिंग टू योर ग्रिप, अगर हम उसको करवा रहे हैं तो उससे क्या रहेगा, आपको खेलना आसान हो जाएगा, आपको चीज़ें सिंपल लगेंगी। और जितना हम सिंपल सिटी में सिंपल तरीके से टेक्निक को अडेप्ट करते हैं, टेक्निक को सीखते चले जाते हैं, तो हम जल्दी इम्प्रूव करते हैं, हमें ज़्यादा एडजस्ट नहीं करना पड़ता है, क्योंकि हर प्लेयर एडजस्ट नहीं कर सकता, एडजस्ट बहुत कम बच्चे कर पाते। तो इसलिए क्या होता है कि सही टेक्निक का यूज़ करके आप बैट को होल्ड करें, ग्रिप करें, जिससे क्या है कि आपको बैटिंग करते वक्त बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिले। देखिए, एक तरीका मैंने आपको बताया था ग्रिप को कैसे होल्ड करना, और एक तरीका ये, आपने जैसे स्टांस लिया है, देखिए स्टांस लिया आपने, अब आपके सामने वाला एरिया होता है पॉइंट, ऐसे देखिए बैट की शेप को ऐसे रखना है आपने, ठीक है, ये देखिए ऐसे रखना है, दिख रहा है युगांग,
ये देखिए ऐसे देख लेना, ये ऐसे जब आप स्टांस में होते हैं ना, आपने कई प्लेयर देखा होगा ऐसे स्टांस लेते हैं फिर ऐसे ग्रिप को चेक करते हैं एंड देन ऐसे ले आते हैं। इनिशियल पीरियड में आप कुछ दिन तक ऐसे कर सकते हैं, जैसे ही आप यूज्ड होंगे फिर आपको ये चीज़ें करनी नहीं पड़ेगी, ये ठीक है ना। इससे आप अपनी अच्छी ग्रिप को चेक कर सकते हैं, ये देखिए ये ठीक है ना। आपने कोशिश करनी है ये दो फिंगर और ये थंब से होल्ड करने की कोशिश करनी है, बैट को पूरा फर्म नहीं पकड़ना है वरना ऑटोमेटिकली ओ शेप में आ जाएगा और एरर क्रिएट हो जाएंगे। तो एरर कम से कम रहे तो बैटिंग करना आपके लिए बड़ा ईजी हो जाएगा। तो अगली वीडियो आने वाली है हाउ टू टेक राइट स्टांस, बैकलिफ्ट कैसी आनी चाहिए। तो गाइज अगर आज का टॉपिक, आज का चैप्टर आपको समझ आया है, पसंद आया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।